हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्नप्लेक्स। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन एक्सपेरिमेंट करने में हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है, पहले ये देख लेते हैं। फर्स्ट हमें जो एक्सपेरिमेंट देखने में क्या लगेगा, लिटमस, चाइना डिश, सैंड पेपर लगेगा, टोंग, स्प्रिट लैम्प, या इसकी जगह पे हम बंसन बर्नर का यूज़ कर सकते हैं, वाट एवर इज प्रेजेंट इन योर लैब। और यहाँ पे जो एडिशन इन्वॉल्व होती हैं, मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है, और इसको अगर हम वाटर के साथ डिजॉल्व करते हैं तो MgOH सॉल्टाइज बनाता है, जो कि बेसिक इन नेचर होता है। और अब हम यहाँ पे देख लेते हैं करके इसको कैसे एक्सपेरिमेंट होगा। ओके, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्नप्लेक्स। इस वीडियो में हम लोग जो है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन देखेंगे। बेटा प्रैक्टिकली करके देखते हैं हम लोग। फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास मैग्नीशियम रिबन है। मैग्नीशियम रिबन को सबसे पहले हम एक सिंपल एक पीस में ब्रेक कर लेते हैं, और ब्रेक करने के बाद जैसे ये हमने मान लीजिए कि इसमें मैग्नीशियम रिबन ले लिया, और मैग्नीशियम रिबन में आप देखोगे कि व्हाइट कलर का इसके ऊपर कुछ कोटिंग दिख रहा है, ठीक है ना। तो ये क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक कोटिंग होता है, जिसको कि हम क्या करते हैं, सैंड पेपर जो कि रेगमाल के नाम से मार्केट में अवेलेबल है, उसको उससे क्या करेंगे, इसको हम साफ कर लेंगे, ठीक है ना। और इसको साफ करने का रीजन ये होता है कि इसकी जो ये ऑक्साइड लेयर है उसको हटा देंगे। ऑक्साइड लेयर हटाने से क्या होगा कि आसानी से ये बर्न कर जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे ये देखिए, मैं इसको साफ कर दे रहा हूँ। साफ करने के बाद आपको ये एकदम सिल्वरी कलर में आ जाएगा। कलर कैसा होता है इसका, सिल्वर कलर में इसमें देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। और इसको साफ करने के बाद हम क्या करेंगे, स्प्रिट लैम्प लेते हैं। स्प्रिट लैम्प मैजिस्टिक से हमने जलाया इसको। अब आपको देखना है एक डेजलिंग फ्लेम के साथ, जबरदस्त फ्लेम के साथ ये आपका जलेगा। देखते हैं इसमें, ठीक है। और इसकी जो एस निकलेगी वो व्हाइट कलर की जो एस है उसको, अच्छा इसको नेकेड आइज हम नहीं देख पाते हैं, दिक्कत होगी, इसलिए हम दूसरी तरफ देख लें। और ये इसकी जो एस आएगी व्हाइट कलर की एस देखने को मिलेगी इसमें, और ये व्हाइट कलर की एस हम चाइना डिश में कुछ वाटर लेकर के रख लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे गिर गया है थोड़ा सा उसको हम, ठीक है। इस एस को अगर हम देखें, है ना, इस एस को अगर हम वाटर में डिजॉल्व कर देते हैं तो जो वाटर है इसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है, और वाटर कैसे कर देगा, बेसिक कर देगा। उसको चेक भी कर सकते हैं, सपोज हमने इसमें किया मिलाया, और उसके बाद हमारे पास क्या है, रेड लिटमस है। रेड लिटमस अगर हम बेस में डिप करेंगे तो कैसा हो जाना चाहिए, ब्लू कलर हो जाना चाहिए। यहाँ पे आप करके देख लेते हैं, हम पहले इसको ठीक से थोड़ा सा डिजॉल्व कर लें, ठीक है। उसके बाद हम इसको ये आप, ठीक है ना, ब्लू कलर का हो गया आपका। इट मीन्स यहाँ पे जो MgO है उसकी एस हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जा रहा है, और आपका एस, ठीक है। आपको वीडियो अच्छा लगा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।